आज मैं आपके साथ वैलेंटाइन डे स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपके साथ फ्लावर की डेकोरेशन शेयर करूँगी जो कि आप अपने बेड या फ्लोर पर कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लावर डेकोरेशन को करने के लिए मैं यहाँ पर तीन कलर के फ्लावर को ले रही हूँ, रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर। इसको मैं हार्ट शेप में बनाऊँगी और तीनों फ्लावर की एक एक लेयर मैं हार्ट शेप में बना लूँगी। इसके अलावा आप साइड में कैंडल या फिर लाइटिंग भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कैंडल अवेलेबल नहीं है तो DIY कैंडल, वाटर कैंडल आप बनाकर लगा सकते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए आप देखते हैं इस फ्लावर डेकोरेशन का फाइनल लुक। तो सेकेंड डेकोरेशन को करने के लिए मैं यहाँ पर हार्ट शेप बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने रोज़ पेटल लिए हैं, यानी कि गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं उनको निकाल लिया है और उससे मैंने यहाँ पर हार्ट शेप बनाई है। यहाँ पर मैं डबल हार्ट शेप बनाऊँगी। अगर आप ये डेकोरेशन बेड पे करना चाहते हैं तो आप सिंगल हार्ट भी बना सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी कि थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए अपने पूरे बेड पर छोटे छोटे हार्ट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैंडल या लाइटिंग नहीं लगाई है, आप यहाँ पर कैंडल और लाइटिंग ज़रूर लगाइएगा। थर्ड डेकोरेशन को करने के लिए मैंने यहाँ पर बीच में हार्ट बनाया है और साइड में मैंने यहाँ पर आई बनाया है और लास्ट में मैं यू बनाऊँगी, यानी कि आई एंड हार्ट एंड यू। इस टाइप की डेकोरेशन बेड पे काफ़ी अच्छी लगती है और साथ में अगर आप लाइटिंग लगाएंगे तो और भी ब्यूटीफुल लगेगी ये। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग बोलकर शेयर नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। फोर्थ डेकोरेशन को करने के लिए मैंने यहाँ पर हार्ट को एज इट इज़ रखा है और आई और यू को वहाँ से हटा दिया है और हार्ट के बीच में एक एरो बना दिया है, तो हमारी ये डेकोरेशन भी बहुत ही जल्दी और इजी बन जाती है। सिक्स नंबर की डेकोरेशन को करने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर रोज़ पेटल से हार्ट बनाया है और इस टाइप की डेकोरेशन बेड पर काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर के मैरी गोल्ड के फ्लावर लिए हैं, यानी कि गेंदे के फूल लिए हैं, और इससे भी हार्ट का जो बॉर्डर है वो बना लिया है। और उसके बाद साइड में मैं यहाँ पर येलो कलर के मैरी गोल्ड का फ्लावर लूँगी, जिसको मैं तोड़ कर साइड में डाल दूँगी। इस टाइप की डेकोरेशन बेड पर बहुत ही अच्छी लगने वाली है और अगर आप लाइटिंग या कैंडल यूज़ करेंगे तो और भी ब्यूटीफुल लगेगी इस टाइप की डेकोरेशन। जितनी भी फ्लावर डेकोरेशन मैंने आपको बताई है, ये सारी डेकोरेशन आप वैलेंटाइन डे के अलावा अपने पार्टनर के बर्थडे पर या फिर अपनी एनिवर्सरी पर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर या फिर अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को सरप्राइज़ पार्टी देना चाहते हैं तो इस टाइप की डेकोरेशन आप अपने फ्लोर पर ज़रूर कर सकते हैं और ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी कम टाइम में इस टाइप की डेकोरेशन हो जाती है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट डेकोरेशन को रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट डेकोरेशन में मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखूँगी, आई एल एंड यू, और इसके आउटर में भी मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। और ये डेकोरेशन भी मैं रोज़ पेटल यानी कि गुलाब की पत्तियों से कर रही हूँ और ये भी बहुत जल्दी और ईजी बन जाती है। इस टाइप की डेकोरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप ये डेकोरेशन जैसे कि मैं यहाँ पर फ्लोर पर करके बता रही हूँ, आप अपने बेड पर या फिर फ्लोर पर या फिर अपने डोर के पास जहाँ पर भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आइडिया के लिए डेकोरेशन करके बता रही हूँ। ये जो डेकोरेशन मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही इजी मेथड है अपनी फीलिंग किसी के साथ भी एक्सप्रेस करने का।
नेक्स्ट डेकोरेशन को करने के लिए मैंने यहाँ पर बस थोड़े से चेंजेस किए हैं, जिसमें कि मैंने अल्फ़ाबेट को, जो बीच के अल्फ़ाबेट है उनको सेम रखा है, और जो हार्ट शेप है उसको हटाकर मैंने यहाँ पर एक लंबे बॉक्स का शेप दिया है। अगर आप ये डेकोरेशन अपने डोर पर करना चाहते हैं तो ये बॉक्स वाली शेप काफ़ी अच्छी लगेगी, और अगर आप बेड पर करना चाहते हैं और कम स्पेस में करना चाहते हैं तो ये डेकोरेशन आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेकोरेशन में भी बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जिसमें कि मैंने एल को हटाकर हार्ट को इंक्लूड कर दिया है, और थोड़े से चेंजेस में ही देखिए इट कितनी डिफरेंट लगेगी। और बस मैं इसमें थोड़ा सा साइड में बॉर्डर दे दूंगी और ये भी एक डिफरेंट तरह की डेकोरेशन रेडी हो जाएगी। कोई भी फ्लावर की डेकोरेशन करते समय बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, जिसमें कि अगर आपका बेस का डेकोरेशन डिफरेंट कलर का है तो बॉर्डर डिफरेंट कलर के हों, और वो जो कलर आप ले रहे हैं वो मैच करने चाहिए, थोड़े से सूट करने चाहिए एक दूसरे को। यहाँ पर जो मैंने येलो कलर के फ्लावर लगाए हैं उसमें मैंने एक और बॉर्डर दे दिया है, जिससे कि वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक लगेगा और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो आप ये लुक देख रहे हैं इसमें मैंने साइड के बॉर्डर को हटा दिया है और बाकी डेकोरेशन को एज इट इज़ रखा है, तो ये भी एक डेकोरेशन रेडी हो गई है। नेक्स्ट डेकोरेशन को करने के लिए मैंने यहाँ पर दो कलर के फ्लावर का यूज़ किया है, एक तो रेड रोज़ और येलो कलर के मैरीगोल्ड। रेड रोज़ से मैंने 3 हार्ट्स बनाए हैं और येलो कलर का जो मैरीगोल्ड है उससे मैंने 2 हार्ट बनाए हैं, और हार्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर रोज़ का थोड़ा सा ऊपर बॉर्डर भी दिया है, और ये भी एक डिफरेंट टाइप की डेकोरेशन रेडी हो चुकी है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक फ्लावर रंगोली का वीडियो भी बनाया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अब आप देखिए इस डेकोरेशन का फाइनल लुक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।